द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्यूबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में उत्तरी चीन के मंगोलिया प्रांत में एक चरवाहे की ब्यूबोनिक प्लेग से संक्रमित होने की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रांत में लेवल 3 की चेतावनी जारी की गई है। यह बीमारी मध्य युग में ब्लैक डेथ का कारण बनी थी। यह इतनी खतरनाक है कि मध्यकाल में इससे कई लोग यूरोप में मारे गए थे। आइए जानते हैं क्या है प्लेग। यह एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों को प्रभावित करती है। प्लेग वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम के कारण होती है। यह बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथियों, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। आमतौर पर यह बीमारी पिस्सुओं द्वारा फैलती है जो चूहा, गिलहरी आदि कतरने वाले जंतुओं जिन्हें रोडेंट्स कहा जाता है से संक्रमित होते हैं। इस तरह यह एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह बीमारी शीघ्र उपचार के बिना गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकती है। प्लेग से संक्रमित लोगों में 3 से 4 दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद लक्षण उभरने लगते हैं। प्लेग के लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार प्लेग बैक्टीरिया से संक्रमित हुआ है। इस आधार पर प्लेग को 3 प्रकार का माना जाता है, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। आइए जानते हैं ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में। ब्यूबोनिक प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यह सामान्यतः एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। इसके कारण संक्रमित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। वो लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, कमजोरी महसूस होना, शरीर के एक से अधिक अंगों में सूजन आ जाना, लिम्फ नोड्स में दर्द आदि। WHO के अनुसार लगभग 30-60% मामलों में ब्यूबोनिक प्लेग घातक है। आइए डालते हैं एक नजर कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बात करते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग की। यह किसी संक्रमित पिस्सू के काटने या फिर किसी संक्रमित जानवर को टच करने के कारण भी होता है। इसके लक्षण हैं बुखार, ठंड लगना, पेट में दर्द, त्वचा से खून का बहना या रिसाव, त्वचा के ऊतक काले पड़ना आदि। अब बात करते हैं न्यूमोनिक प्लेग की। किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा हवा से छोड़ी गई ड्रॉपलेट्स को इनहेल करने से इस प्लेग का संक्रमण होता है। इसके लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और तेजी से न्यूमोनिया डेवलप होना, जिससे सीने में दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ भी महसूस होती है। इसे सबसे ज्यादा घातक प्रकार का माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। आइए बात करते हैं बचाव की। अपने घर, कार्यस्थल और मनोरंजन आदि के क्षेत्र को रोडेंट से दूर रखें। अपनी त्वचा और प्लेग बैक्टीरिया के बीच संभावित संपर्क को रोकने के लिए दस्ताने व मास्क पहने। पालतू जानवरों से भी दूर रहें। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। ब्यूबोनिक प्लेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया जनित बीमारी है। दूसरा कथन, यह बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम के कारण होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? ऑप्शंस है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।